दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए स्टेट हेल्थ सोसाइटी SHS बिहार CHO भर्ती 2024 की अपडेट लेके आ चुके हैं। इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी 1 नवंबर से स्टार्ट होने जा रही है। 21 नवंबर तक आप इस भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। 4500 वैकेंसीज यहां पर निकली है जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहां पर इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं SHS बिहार CHO सीधी भर्ती 2024 की पूरी जानकारी। जी हां दोस्तों, स्टेट हेल्थ सोसाइटी यहाँ पर राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी NHM बिहार के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO की पोस्ट है। 4500 वैकेंसीज निकली है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू होने जा रही है। लास्ट डेट ऑनलाइन करने की 21 नवंबर है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 21 नवंबर है। 40,000 रुपये सैलरी है प्रति माह के लिए। BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और GNM से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 42 वर्ष आयु सीमा है। फी जनरल OBC WS के लिए 500 रुपये है। SST PH फीमेल के लिए 250 है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CVT के आधार पे। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बिहार जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। shs.bihar.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड करने के लिए और डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट intsarkarinaukri.in का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में आप देख सकते हो इंपोर्टेंट लिंक्स का सेक्शन दिया गया है। जैसे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करोगे तो इस भर्ती की PDF ओपन हो जाएगी। यहाँ पर स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की ओर से एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2024 जारी किया गया है। यहाँ पर CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की ये पोस्ट है। कॉन्ट्रैक्ट बेस की ये भर्ती है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंतर्गत ये भर्ती होने जा रहे हैं। नेशनल हेल्थ मिशन NHM के तहत ये भर्ती होने जा रहे हैं। NHM बिहार की CHO की ये वैकेंसी की अपडेट है। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि UR के लिए यहाँ पर ओपन में 736 है, फीमेल के लिए 243, टोटल 979 है। इसी तरह EWS में 245, SC के लिए 1243, ST के लिए 55, ABC के लिए 1170, BC के लिए 640, WBC के लिए 168 है। कुल मिलाकर 4500 वैकेंसीज निकली है। फीमेल के लिए भी यहाँ पर ये वैकेंसीज है जो आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये वैकेंसीज की आपको कंप्लीट डिटेल इसमें दे दी गई है। वैकेंसी के बाद में आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर BSc नर्सिंग से आप अप्लाई कर सकते हो या फिर यहाँ पर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग से आप अप्लाई कर सकते हो या फिर GNM से भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए क्वालिफिकेशन की डिटेल दे दी गई है। इसी तरह से यहाँ पर आपको आवेदन करने की डेट दी गई है। 1 नवंबर से 21 नवंबर तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। यहाँ पर आपको कट ऑफ डेट भी इसमें दे दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर एप्लीकेशन फीस डिटेल दी गई है अलग अलग कैटेगरी के लिए, मेल फीमेल के लिए। यहाँ पर आपको फीस पेमेंट की जानकारी दी गई है। एज लिमिट अलग अलग कैटेगरी के लिए है। मेल फीमेल के लिए आप देख सकते हो मिनिमम 21 वर्ष है। मैक्सिमम अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर आयु सीमा आपकी तय की गई है, जो आप वीडियो को पॉज करके चेकआउट कर सकते हो। तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसी तरह से इंस्ट्रक्शंस PDF पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसकी डिटेल इंस्ट्रक्शंस की PDF ओपन हो जाएगी। इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल दे दी गई है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। एज लिमिट, क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन क्राइटेरिया की डिटेल दी गई है। CBT के आधार पर इसमें आपका यहाँ पर ये सिलेक्शन किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का यहाँ पर ये सिलेक्शन होगा। इसी तरह आपको यहाँ पर इसमें कंप्लीट जानकारी दी गई है और सभी इंस्ट्रक्शन दे गए, फीस की और साथ साथ सैलरी की जानकारी भी दे दी गई है। इसी तरह से यहाँ पर आपको उसके बाद में अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना
होगा तो इसका ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि एडवर्टाइजमेंट का लिंक दिया गया है, इंस्ट्रक्शंस का लिंक दिया गया है, इसी तरह से दोस्तों 1 नवंबर को यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया जाएगा, जिस पर क्लिक करते हुए आप लॉग इन या फिर रजिस्ट्रेशन करते हुए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा 1 नवंबर को ही लिंक एक्टिवेट होगा, आप सभी से फॉर्म फिल कर सकते हो। और बाकी की जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, ये स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट है। राइट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन दिया गया है, इस सेक्शन पर आप जैसे ही एडवर्टाइजमेंट के इस लिंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो फर्स्ट में ही आपके सामने लिंक आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा तो आप यहाँ से भी इस भर्ती के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पर अप्लाई का लिंक दिया जाएगा और एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी आपको यहीं पर दे दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी बिग अपडेट अपलोड करते हैं।